बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? ये सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अंडा मसाला बना रहे हैं और बहुत ही मज़े का सालन बनता है ये, और ये सहरी का सालन है। सहरी स्पेशल मैं बना रही हूँ, जिसके लिए हमने चार अंडों को उबाल के हार्ड उबालना है इनको, बिल्कुल जैसे 2-3 मिनट का इसको नहीं उबालना, इसको अच्छी तरह 12 से 15 मिनट इसको उबालना है। ये हार्ड बॉयल जो है वो 4 मैंने लिए हैं। इसके अलावा हमें 1 अदद टमाटर है चॉप्ड किया हुआ, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और हल्दी जो है 1/4 टीस्पून, हरी मिर्च 3 से 4 अदद ले लीजिएगा, और ये ज़ीरा है और 1.5 चाय का चम्मच। प्याज हमें चाहिए होगा चॉप्ड, लेकिन बारीक वाला चॉप्ड। ये 2 मैंने बड़े प्याज लिए थे, इसको चॉप्ड कर लिया है। ऑयल 3/4 कप हमें ऑयल चाहिए, और आखिर में गरम मसाला 1/4 टीस्पून और हरा धनिया थोड़ा सा। तो फिर शुरू करते हैं। ऑयल हमने डाला। अच्छा, इसको जो है हमने या तो तवे पे बनाना है, बड़ा तवा ले लीजिएगा, या लोहे की कढ़ाई या लोहे का फ्राइंग पैन, क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों में टेस्ट आएगा। आपने एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना कि टेस्ट इसी में आएगा। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। मेरे पास तवा जो है वो बड़ा नहीं था, लेकिन आपके पास तवा बड़ा होगा तो आपका इजीली ये बन जाएगा इंशाल्लाह। या आप ऐसा काम करें कि आप ना थोड़ा करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने 4 अंडों का लिया है, आप 2 अंडों का बना लीजिएगा, ट्राई करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है माशाल्लाह। इस टाइम पर लहसुन और टमाटर डाल दें। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, प्याज को इतना करना है कि बस पानी जो है वो ड्राई हो जाए प्याज का, इसको ज़्यादा नहीं कि इसका कलर चेंज हो जाए, या बादल गरज रहे, बारिश भी आ रही है, ज़्यादा रहने बर्फ काट रहे हैं, और सदा आ ही जाए बारिश। अच्छा, इस टाइम पर हमने तमाम चीज़ें शामिल कर देनी सिवाय गर्म मसाला और धनिए के और अंडे के, सारी चीज़ें शामिल की। अब हमने जो अंडे उबाल के रखे हुए हैं गला के, उसको हमने कद्दूकस करना है। अच्छा, अब हम इसको मिक्स करते हैं, और आपको पता है जब अंडे शामिल करते हैं तो थोड़ा ड्राई हो जाता है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल होगा, फ्लेम तेज कर लें। ये तैयार हो गया, चूल्हा बंद करते हैं, प्लेट में निकालते हैं। अब इसमें गरम मसाला डाल दें और हरा धनिया डाल दें। ये अंडा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब आपने ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी सर सा, अंडे में लहसुन 4 उन्होंने मैं ना हार्ड उबाल लिया सी, यानी कि हार्ड बॉयल के बगैर तुम कर ही नहीं सकते, वरना वो जर्दी तो अलहदा हो जाएगी। 2 अदद प्याज लहसुन बारीक चॉप्ड कर लिया, उन्होंने तेल च फ्राई किया, लहसुन पाया, तो फिर टमाटर पाकर मिक्स किया। ज़्यादा फ्राई करना ही नहीं है प्याज, मतलब कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो सारे मसाले पा के तो अंडिया कद्दूकस करके पाया वे, तो मिक्स किया, थोड़ा सारा पानी पाया, तो आखिरी चो थोड़ी देर पकाया। जो अंडे पाने ना, फिर 1-2 मिनट ज़्यादा नहीं पकाना, तो मिक्स करना अच्छी तरह चम्मच के नाल, और खास तौर पर लोहे की कढ़ाई और लोहे के फ्राइंग पैन या तवे पर बनाना, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और आखिरी चो मैं गर्म मसाला तो हरा धनिया पाया। ट्राई करके मैं जरूर दसना, और पराठे के नाल खाना जरूर तुम्हें अच्छी लगेगी रेसिपी। अपनी दांजू याद रख लेना, अपने कमेंट्स का जरूर इजहार कर देना, अपनी दांजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।